एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, व्हाइट डिस्चार्ज क्यों होता है प्रेगनेंसी में, पीरियड्स में, नॉन प्रेगनेंसी में? ये आप सबको एक बहुत सिंपल आंसर, व्हाइट डिस्चार्ज इज एक्चुअली नॉट अ प्रॉब्लम. अगर आपको सर्वाइकल एरिया में से व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, इट्स वन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेजर ऑफ योर बॉडी. एक फीमेल का बॉडी के जो हार्मोन होते हैं, जो सर्वाइकल एरिया होता है, वहाँ पे जो भी मेम्ब्रेन है, जो भी सेल्स है, वो लोग व्हाइट डिस्चार्ज छोड़ते हैं ताकि वो एरिया आपके वजाइना और यूट्रस के माउथ के बीच का एरिया बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहे. वो ल्यूब्रिकेटेड एरिया है जो उस एरिया को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और प्रोटेक्टेड रखता है. यस, जिससे सेक्स आसान हो सके, बच्चे का डिलीवरी आसान हो सके, आपके पीरियड्स की तरफ प्रिपरेशन उसके डिपेंड्स. देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी फेज में बोल रहे हो कि व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है. व्हाइट डिस्चार्ज के लिए कभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए. फ्यू द वेरी सिंपल थिंग, अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज टू मच हो रहा है, इट्स एक्सेसिव व्हाइट डिस्चार्ज, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपको व्हाइट डिस्चार्ज के साथ लिक्विड जैसा पानी आपके अंग पे से जा रहा है, यस, तो फिर आपको कंपलसरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए. अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज के साथ वजाइनल एरिया में बहुत ज़्यादा ईचिंग और इरिटेशन हो रहा है, बहुत सीवियरली खुजली आ रहा है, बर्निंग सेंसेशन है, रेडनेस है, यस, देन दैट व्हाइट डिस्चार्ज इज नॉट गुड. व्हाइट डिस्चार्ज बहुत अच्छा है, नॉर्मल है, अगर आप पीरियड्स के दो तीन दिन पहले या एक दो दिन बाद का फेज अगर कैलकुलेट करते हो, फिर व्हाइट डिस्चार्ज बहुत अच्छा है. अगर आप प्रेग्नेंट हो, बहुत सारे लोगों को थ्रू आउट 9 महीने थोड़ा थोड़ा व्हाइट डिस्चार्ज होते रहता है, 7 मंथ के बाद व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है, 8 मंथ में थोड़ा और बढ़ जाएगा, 9th मंथ में थोड़ा और बढ़ जाएगा. ट्रेडिशनली लोग बोलते हैं ना, बच्चे को तो फिसल के बाहर आना है. यस, सर्विक्स एक फीमेल का बॉडी, बच्चा पैदा होने के लिए जो प्रिपरेशन करता है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट प्रिपरेशन इज व्हाइट डिस्चार्ज. ये आपकी बॉडी का प्रिपरेशन है सो दैट आपका डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाए और आपके बच्चे का बर्थ ईजीली हो जाए. ट्रेडिशनली लोग बोलते हैं घी खाओ, घी खाने से डिलीवरी अच्छा हो जाएगा, और मैं हमेशा बोलती हूँ वो बहुत बढ़िया प्लानर है. आपके पेट के अंदर का बच्चा, वो आपका यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना, ये सब लोग मिलके बच्चे का डिलीवरी प्लान करते हैं और वो बहुत अच्छे से प्रोग्रेस होता है. सो व्हाइट डिस्चार्ज होना इज नॉट अ प्रॉब्लम. व्हाइट डिस्चार्ज के साथ आपको जलन, इरिटेशन, खुजली आना, यस, इट्स एन इशू. ये सब होने के बावजूद अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज है, जलन वगैरह नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो आप क्या कर सकते हो? वन ऑफ द थिंग, प्लीज आपके पैंटीज एटलीस्ट दिन में 2 बार चेंज करो ताकि आपको उस जगह पे बहुत इरिटेशन ना हो. सेकेंड थिंग, प्लीज प्राइवेट एरिया का हाइजीन मेंटेन करो. थर्ड थिंग, अगर आप वर्किंग हो, आपका बेड का काम बहुत ज़्यादा है, उस एरिया में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, प्लीज़ यूज़ पैंटी लाइनर्स. पैंटी लाइनर्स आप हर 3 से 4 घंटे बाद चेंज कर सकते हो, उससे उस जगह का इरिटेशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत टाइट कपड़े मत पहनो. एकदम सीवियरली टाइट जीन्स, प्राइवेट एरिया को अगर बिल्कुल भी एरेशन नहीं मिलेगा तो चीज़ें ठीक से नहीं होती है. सो ये कुछ बहुत सिंपल होम रेमेडीज जो आप व्हाइट डिस्चार्ज के लिए कर सकते हो. डॉक्टर के पास कभी जाना है, कभी ये नॉर्मल है. ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. इफ़ यू फील लाइक, डू क्लिक ऑन टू द सब्सक्राइब बटन. हैव ग्रेट टाइम एंड बाय.